first color-changing product store. Kids और adults दोनों के products बनाते हैं because at the end of the day हम भी अंदर से बच्चे हैं. इस एक साल के सफर में we have sold 3,000 products and have 1,800 happy customers. हमारी मांग है 20 लाख रुपीस फॉर 10% स्टेक इन आवर कंपनी. सो शार्क्स, आर यू रेडी टू गिरगिट द फैशन टेक इंडस्ट्री टुगेदर? पूजा एंड बिनॉय, स्वागत है आपका शार्क टैंक पे. और मुझे आपका नाम बहुत पसंद आया. थैंक यू. इट्स सो कैची, मजेदार नाम है. तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए. सो गिरगिट शुरू करने से पहले मैं मुंबई में एक लीडिंग इंटरनेशनल स्कूल में एक टीचर और कोऑर्डिनेटर का काम करती थी. फिर उसके बाद मेरा शादी हुआ एंड मैंने एक ब्रेक लिया. उस ब्रेक में मेरे हस्बैंड ने मुझे उनके पिगमेंट्स और डाइज दिखा रहे थे जो वे अपने कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं. उनमें से एक कलर चेंजिंग पिगमेंट था विच आई वॉज एक्सट्रीमली फैसिनेटेड अबाउट. और मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है. दूसरी तरफ मेरी फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल्स में है, तो मुझे लगा मुझे ये रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस से मिल रही है और एक रेडी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एंड टू टॉप इट ऑल फॉर चिल्ड्रन, जिससे मुझे बहुत प्यार है. अच्छा, ये आपने दूसरी बार कहा है, तो क्या ये आपका पहला बच्चा है? यस, वी हैव अ बेबी शार्क. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. एंड आर यू कंफर्टेबल कि अगर आपको किसी वक्त बैठना हो तो प्लीज बी कंफर्टेबल? ओके, थैंक यू. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. और फिर मैंने काफी महीना रिसर्च किया एंड वी फॉर्म गिरगिट. आपको नहीं लगा ये जो नाम है ये एक इन अ वे अच्छा नाम भी है बट इन अ वे मतलब नेगेटिवली भी परसीव हो सकता है? इट्स अ रिस्की नेम. आपको किसी ने गिरगिट बुलाया क्या कभी? हाँ, किसने? अमन ने. कौन? मैं? सो आज के बाद जो भी गिरगिट बोलेगा वो मैजिक ही देखेगा गिरगिट नाम से. तो उनको सिर्फ बार बार मैजिक की बात करो. क्या है ऐसा गिरगिट में दिखाओ? प्लीज अलाउ अस टू शो यू सम मैजिक. सो मैं लूक वार्म वाटर सिर्फ इस पे डालने वाला और देखिए क्या होता है. पैटर्न निकल रहा. व्हेन इट्स वेट तब सॉलिड होगा, जब आप बाहर निकलेंगे तो अनसॉलिड प्रिंट. जब स्विमिंग पूल में होगा तो कंप्लीट प्रिंट आ जाएगा. अच्छा, जब धूप में होगा इन द सनलाइट इट विल बी नो प्रिंट. इट्स टेम्परेचर सेंसिटिव. तो पानी गर्म था? पानी लूक वार्म है. यस. और जूते भी चेंज होते हैं कलर? जूते भी चेंज होते हैं. तो ये है हमारी ऑल टाइम फेवरेट वाइट कैनवस शूज. आई एम यूजिंग अ यूवी लाइट क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं है. अगर हम धूप में जाओगे या सनलाइट में तो हमारे जूते रंग बदलते हैं. वाओ, माय गॉड. आर यू श्योर कि ये यूवी ऑफ द सन इज इनफ टू चेंज द कलर? 100% यू क्लाउडी डे पे सेम चेंज आएगा. इस पे आप ड्रॉ, आपने भी ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं. और लोग स्मार्ट वॉचेस अभी बहुत पहन रहे हैं. सफेद है अंदर एंड जब भी बाहर जाएंगे तो पूरे पर्पल कलर हो जाता है. दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट विद द शॉर्ट्स. मुझे आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है, अडल्ट्स के लिए इतना चलेगा नहीं? सो एक्चुअली मैंने बच्चों के लिए ही शुरू किया था. फिर काफी कस्टमर फीडबैक आ रही थी कि हमें कोऑर्डिनेटेड पेयर्स पहनने हैं शॉर्ट्स में, फादर एंड सन. या लड़कियों को बहुत फैसिनेशन हुई, इसलिए वी स्टार्टेड फॉर एडल्ट्स आल्सो. ओह, नाइस. लेकिन बिनॉय ये आप फुल टाइम नहीं कर रहे हैं? नो, आई एम ओनली अ मेंटर एंड गाइडेंस. So it's 100% equity is hers. Yes. 100% is Pooja's equity. And our CEO है. Yes. 20 साल हो गए फोटोक्रोमेटिक लेंसेज को चश्मों में. ठीक है, बहुत लोग यूज नहीं करते उसको. ऐसा क्यों? आप समझते हो इसको? आई नो द आंसर एंड इट इज द कॉस्ट प्राइस. रेगुलर पिगमेंट आप रेगुलर प्रोडक्ट में यूज करेंगे वो अराउंड 400 to 500 रुपीज होती है.
और अब ये स्पेशलिटी फोटोक्रोमिक पिगमेंट्स जब यूज करते हैं उनकी कॉस्ट प्राइस एटलीस्ट 60x, इसकी वजह से आज तक कोई लेके नहीं आया। आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक एडवांटेज है बिकॉज ऑफ द फैमिली बिजनेस, कि आपको रॉ मटेरियल बहुत चीप मिल रहा है, जिसके वजह से ये आपका USP है। बताई दीजिए प्राइस क्या है। हम जूते 2000 के लिए बेचते हैं फॉर किड्स and 3000 for adults. ऐसा कोई ब्रांड है इंडिया में कॉम्पिटिशन? नहीं, नहीं, कोई नहीं है। तो फिर तो एक साल में बहुत अच्छा सेल्स हुआ होगा। 58 लाख सो फार, नॉट बैड। We would like to tell you our gross margin is 79% in our products. लास्ट मंथ क्या थी आपकी सेल्स? 8.5 लाख। और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या चल रही है? The month before that was 7.5 lakhs. The month before that was 5 lakhs. तो ये कैसे बढ़ रहा है इतना तेजी से? एक्चुअली यहाँ पे फेस्टिव सीजन शुरू हो रही थी। और ये सारा आपकी साइट पे हो रहा है? नो, देखो मुझे लगता है कि खाली एक इस फीचर पे ब्रांड खड़ा करना मेरे हिसाब से एक स्केल चैलेंज आएगा, इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेंगे शर्ट्स, टी-शर्ट्स, डेनिम्स एंड अ लॉट मोर अदर स्टफ। We were one of the first brands in India who launched cohort set for men, that is paired clothing, which is 100% made in India. Nice. 2020 में हमने इस वेबसाइट की शुरुआत की और आज हम 2000 से ज्यादा ऑर्डर शिप करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। हमारा विजन ये है कि स्निच को इंडियाज बिगेस्ट फैशन ब्रांड फॉर मेन बनाना और फिर ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना। इसीलिए हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। 300 crores. धमाकेदार वैल्यूएशन। We'd like to thank all you guys. You can leave while we discuss work with him. Thank you, boys. Thank you, guys. Thank you. Welcome to Shark Tank, Siddharth. Thank you, ma'am. बहुत अच्छे कपड़े थे, good brand. तो आपके बारे में बताइए, आप एक तो पहले आप कहाँ से हैं? मैं बैंगलोर से हूँ। बैंगलोर से? हाँ जी। और आपने क्या पढ़ाई की है? Basically, I'm just a BCom graduate. I don't have any IIT, IIM, MBA. वो सब कुछ नहीं है. I'm a hardcore hustler. And clothing has been my passion from the age of 14-15. Okay. 2009 से मैं अपने फादर की ज्वेलरी शॉप पे उन्हें हेल्प करता था। मेरा ज्वेलरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा के स्टोर के जस्ट बगल में एक शॉप वैकेट हो रही थी, तो आई कन्विंस्ड हिम कि मेरे को कुछ ना कुछ क्लोथिंग में करना है। इनिशियली जब स्टार्ट किया था, आई यूज टू प्रोक्योर जो भी फैक्ट्री लेफ्ट ओवर्स थे वो मैं रिटेल में सेल करता था, और द स्टोर स्टार्टेड डूइंग रियली वेल अंटिल 2012। सो जब मैं इन सारे फैक्ट्री से डील कर रहा था, तब एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ऐसा था जिन्हें अपने फैब्रिक्स भी बेचने थे, और मेरे पास एक बायर रेडी था। 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तभी आई टुक लोन एंड डिड द ट्रांजैक्शन, बट टू माय बैड लक उस फैक्ट्री का ऑडिट आ गया और वो 20-25 दिन तक उसको डिस्पैच नहीं कर पाए। आई वॉज स्टक विद दैट फैब्रिक। फिर मैंने उस फैब्रिक के छोटे छोटे स्वॉचेस बनाए। एक पर्टिकुलर रिटेलर था बॉम्बे में, एंड ही कॉल्ड मी एंड सेड सिड द फैब्रिक इज फैब्यूलस, कैन यू मेक शर्ट्स आउट ऑफ इट। एंड आई वॉज स्टन्ड क्योंकि प्रोडक्शन मेरा बैकग्राउंड था ही नहीं। तभी एक छोटी सी फैक्ट्री मिली, आई सैट देयर फॉर 3-4 वीक्स, अंडरस्टूड द होल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मैंने खुद वो 200-300 पीसेस को डिजाइन किया और मैंने कस्टमर को भेजा। ओवर द वीकेंड वो सारे शर्ट्स उसके काउंटर से उड़ गए, और आई एंडेड अप मेकिंग 6.5 लाख रुपीज, वेर एज आई वॉज मेकिंग 3 लाख रुपीज सेलिंग फैब्रिक। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ मच बिगर गेम। उस बिजनेस को मैंने तकरीबन 50-60 करोड़ एनुअल रन रेट की रेवेन्यू तक स्केल किया। बट वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस, मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा मार्केट में, जहां एवरी ब्रांड वाज फॉलोइंग वन ट्रेडिशनल पैटर्न। तभी आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड स्निच, B2B ब्रांड, जहां हम बना के रिटेलर्स को बेच रहे थे। उन्हें छोटे छोटे क्वांटिटीज में नए स्टाइल्स रोज मिल रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा स्केल मिला इनिशियली इटसेल्फ। बट अगेन 2020 द पैंडेमिक हिट अस, और हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री थी। तभी जुलाई 2020 में हमने snitch.co.in को लॉन्च किया, और एवर सिंस देन इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड फॉर अस।
Today we have more than 50,000 visitors on our website. We have 5 lakh downloads on our app. Lovely. Our conversion rate is anywhere between 2.5 to 2.8%. और हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो तकरीबन 1700 रुपए है। Oh, wow. सिद्धार्थ भाई आप रुकते नहीं हो मतलब एक रास्ता पकड़ लिया फिर मोड़ आया फट से मुड़ लिए कोई और मतलब बीच में रुकावट आई तो आप कूद लिए। हाँ, मेरा लाइफ ही वैसे रहा है। आपकी उम्र क्या है अभी भाई? I'm 35 years old. पहली बात आपका ब्रांड नेम और आपका लोगो बहुत अच्छा है। ये नाम मैंने 2014 में रजिस्टर कराया था और उस टाइम पे ड्वेन जॉनसन की एक मूवी आई थी स्निच। बहुत ही छोटा सा कैची नेम था। मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि स्निचिंग क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट आप एक्सप्लेन कीजिए कि स्निच का मतलब क्या है। स्निच का मतलब हिंदी में तो चुगली करना होता है। तो वैसे भी हम फैशन की चुगली करने वाले हैं, वैसे भी ट्रेंड्स की चुगली करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट कीप द नेम। We give top-notch international standards quality, which could be compared to an H&M or a Zara. मैं आके products देखता हूँ, आप बोलते रहे। But उनका जो price point है, वो थोड़ा higher है, और tier 2 में either they are not available या 3-4 में तो unaccessible हो जाता है. And we are a mass premium brand. We are perfectly positioned between a Max and an H&M. एक second quickly, ये कितने का है? $14.99. और ये? That's about $15.99. Okay. तो ये प्राइस एक बड़ा फैक्टर होगा लोगों का चूज करने में। Absolutely. और येलो टी-शर्ट कितने का है? ये कोहोर्ट सेट है सर, बेसिकली 1099. आप एक बताइए डिजाइन कौन करता है और सैंपल्स अप्रूव कौन करता है? मैम बेसिकली हमारे पास एक डिजाइन टीम है विच हैज अ सेट ऑफ 7 to 8 डिजाइनर्स और मैं पर्सनली डिजाइन में काफी इन्वॉल्व होता हूँ। डिजाइन लैंग्वेज तो कहीं समझ आई नहीं रही, सब अलग है। सर हमारा मॉडल जो बिजनेस का है वो fast है फास्ट फैशन का, विच मीन्स ट्रेंड्स जो है ना वो हर रोज हर महीने बदलते रहते हैं। नहीं बट उसमें आपको इन्वेंटरी हैंगओवर हो जाएगा थोड़ा सा। डेड स्टॉक। ऐसा कोई फैशन ब्रांड खड़ा ही नहीं हो सकता है विदाउट यू नो हैविंग डेड स्टॉक। बट द एडवांटेज दैट वी हैव इज दैट वी मेक इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटीज। हम 50 से 100 पीसेस का बैच पहले बनाते हैं, उसका ट्रैक्शन का ट्रिगर पॉइंट्स रखा हुआ है। अगर 3 दिन में हमारे एक्सपेक्टेशन से ये 10 दिन चलने वाला है तो इमीडिएटली वो ट्रिगर जाता है प्रोडक्शन वाले को कि आपको इसको रेप्लेनिश करना है और मेक श्योर के ये 10 या 15 दिन या जितना जल्दी हो सके वापस वेबसाइट पे लाइव आए। मैं जानता हूं आप बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और आप अपने सपनों के पूरा करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। ये हसल, ये भागती हुई दुनिया आपको अलग सुख देती है, पर मैं आज चाहूंगा आपको मैं अपनी दुनिया में लेके जाऊं। मेरी दुनिया आपकी दुनिया से बिल्कुल विपरीत है। मेरी दुनिया आपकी तरह तेज नहीं है, यहाँ पर ठहराव है, यहाँ पर शांति है। हमारे पास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो नहीं है, पर जहां तक आप देखेंगे सिर्फ हरियाली और खेत दिखाई देंगे। हमारे पास एसी की ठंडक तो नहीं है, पर कभी नीम के पेड़ के नीचे बैठ के किताब पढ़िएगा, उसका आनंद ही अलग है। आप जला रहे हो हमें, बहुत जला रहे हो। थिन क्रस्ट पिज्जा की जगह चूल्हे से उतरी हुई रोटी के ऊपर मक्खन रख के हम खाना पसंद करते हैं। सफेद मक्खन। एनर्जी ड्रिंक की जगह छाछ पीने में हमें ज्यादा मजा आता है। आप और हम एक ही देश से हैं, आप इंडिया हैं, मैं भारत हूँ। आज मैं अपने भारत को इंडिया से यहाँ मिलाने आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दुर्लभ कुमार रावत है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव दयानतपुर से हूँ और बरोसी का फाउंडर हूँ। बरोसी एक ऑथेंटिक फूड ब्रांड है। बरोसी के सारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल हैं, ना वो मिलावटी हैं, ना वो दिखावटी हैं। हमारे प्रोडक्ट हैं दूध, घी, मक्खन, ऑयल, पिकल, फिल्टर कॉफी इत्यादि इत्यादि। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है आप हमारी खुद की वेबसाइट barosi.in से खरीद सकते हैं और ये प्रमुख मार्केट प्लेसेस पे भी अवेलेबल है। मेरा एक सपना है, मैं बरोसी को इंडिया की हर किचन का हिस्सा बनाऊं। मैं बरोसी को एक बहुत प्यारा लोकल होम ग्रोन ब्रांड बनाऊं। ये कार्य को करने के लिए मुझे आपकी गाइडेंस और 50 लाख की जरूरत है, जिसके बदले में मैं अपनी कंपनी का 2% इक्विटी आपको ऑफर करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं आप मेरे साथ मिलके बरोसी के भरोसे को इंडिया के हर घर तक लेके जाएं। क्या बात है। वाओ।
दुर्लभ जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। तो थोड़ा बताइए आपकी कंपनी के नाम का मतलब क्या है और आप जो उत्तर प्रदेश में जहाँ से हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। विनीता, मेरा पूरा जो बचपन है ना वो भारत में गुजरा है और ब्रांड का जो नाम है वो वहीं से है। बचपन में जब हम अपने गांव में थे वहां पे लाइट होती नहीं थी, दूध को ठीक रखने के लिए बरोसी का यूज होता था। मैं बरोसी आपको बताता हूँ होता क्या है। उस टाइम पे फ्रिज नहीं होता था, जमीन पे एक गड्ढा खोद लिया जाता था, उसके अंदर उपले और लकड़ी जला के मिट्टी का बर्तन रख के उसमें दूध रख दिया जाता था। स्कूल हमारा 6 किलोमीटर दूर था, 6 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर जाना हम पैदल ही करते थे। ओहो, उसकी स्टोरी बाद में बताएंगे आपको। तो जब शाम को हम पहुंचते थे तो उस दूध में अमेजिंग एक अरोमा और इतनी मोटी मलाई, तो हमारी माता जी जो है उसमें से एक एक गिलास हम दोनों भाइयों को पिला देती थी। अब जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दूध से स्टार्टिंग हुआ हमारा, वो बरोसी हमें याद आया तो बरोसी है। वाह क्या बात है भाई। ये लोगो किसने डिजाइन किया और कैसे, मतलब आपने खुद ने किया? आई एम वेरी सरप्राइज्ड एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कम देखने को मिलता है इतनी बारीकी। अनुपम, ये बारीकी, मैं भले भारत से हूँ पर मैं अपने ब्रांड से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। और एक छोटी सी छोटी चीज मैं परख के ही आगे जाने देता हूँ। वो तो समझ गए। इसमें जो डॉट जो आपको दिख रहे हैं वो बी जो भारत का डॉट है और आई का जो डॉट है वो इंडिया का डॉट है। तो बरोसी ये दोनों ही दुनिया को आपस में जोड़ता है, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया, भारत और इंडिया। मुझे लग रहा था ऐसी कोई कहानी है। बहुत अच्छा। दुर्लभ, स्कूल आपने वहीं किया दयानतपुर में जी, और उसके बाद और क्या पढ़ाई करी, और कुछ करते थे बरोसी से पहले? हमारे गांव में जो स्कूल था वो सिर्फ 10th क्लास तक का था, 12वीं करने के लिए हमें 6 किलोमीटर दूर जाना था। माता जी ने बोला अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो साइकिल मिलेगी, अच्छे मार्क्स आ गए साइकिल भी मिल गई। पर जिस दिन साइकिल मिली उसी दिन वो पहले दिन ही एक्सीडेंट हो गई। दूसरी साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे तो स्कूल जाने के लिए 6 किलोमीटर पैदल पैदल खेतों के बीच में से होके जाना पड़ता था। गांव में रहते हुए हमारा एक ही एक टारगेट था कि किसी भी तरह से गांव से बाहर जाना है। तो मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दिल्ली से किया है, उसके बाद मैं वहाँ पे मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ आइशर मोटर्स लिमिटेड में, जहाँ पे मैंने 2 साल काम किया। मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में 10 साल काम किया। एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे लगा कि अब मुझे अपना खुद का कुछ करना है। बारह साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये ठान लिया था कि मेरे को बिजनेस जो है वो भारत में बनाना है, क्योंकि यही तो मेरे को आता है। मैं किसान का बेटा हूँ, खेती को मैंने पास से देखा है। दूध हमारे बैकयार्ड में गाय और भैंस के हमें मिलता ही था एकदम फ्रेश। तो ये नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने अपना जो बिजनेस है वो भारत में स्टार्ट किया। इंडिया दोनों को जोड़ते हुए हमने बरोसी की शुरुआत की। ये 2016 की बात? जी हाँ, 2016 की बात। अगले 2016 से 22 आपको अगले 1 मिनट में खत्म करने हैं। सही है सर। हाँ। तो 2016 से लेके और 2022 तक के बीच में हमने पिछले 4 साल में 1,28,00,000, 2,23,00,000, 4,06,00,000, 4,70,00,000 का रेवेन्यू किया है। ठीक है। सबकी बोलती बंद कर दी।